हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला शिक्षा अधिकारी समेत 3 कार्मिक रिश्वत लेते धरे गए। जिला शिक्षा अधिकारी जालौर मोहनलाल मेघवाल समेत 3 कार्मिक को एसीबी जालौर की टीम ने रिश्वत प्रकरण में हिरासत में लिया। भादरा जून स्थित सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की निरीक्षण रिपोर्ट को सही करने के अवज में 30,000 रुपए की मांग की गई थी। तीनों आरोपियों को रिश्वत लेने के आरोप में एसीपी जालौर की टीम ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत के नेतृत्व में टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी मोहन लाल मेघवाल, लेखा अधिकारी बसंत शाह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व निजी सचिव दिनेश भट्ट को रिश्वत प्रकरण में हिरासत में लिया है। सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यरत विद्यालय कार्यालय प्रभारी पंकज व्यास पुत्र जगदीश चंद्र व्यास ने इस संबंध में शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि भादरा जून स्थित सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी मोहन लाल एवं लेखा अधिकारी बसंत शाह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उस दौरान निरीक्षण रिपोर्ट सही करने की अवज में 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसका सत्यापन करवाया गया। रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि हुई। बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत के नेतृत्व में टीम गठित कर शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के निजी सचिव दिनेश भट्ट को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। निरोधक ब्यूरो की टीम ने स्थानीय कोतवाली में जिला शिक्षा अधिकारी मोहन लाल मेघवाल, लेखा अधिकारी बसंत शाह एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी व निजी सचिव दिनेश भट्ट को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम के सदस्य मोहम्मद हनीफ, ठाकरा राम, विक्रम सिंह, आदू राम, कालू राम के साथ स्वतंत्र गवाह भी उपस्थित थे। जागरूक टीवी की जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।